हेलो दोस्तों, मैं सेंटर ऑफ एजुकेशन कोचिंग से एसके सर। आप लोग को कुछ क्वेश्चन जो कि बिहार एसएससी एनटीपीसी दरोगा, बिहार दरोगा में जो पूछा जाता है उस टाइप का कुछ क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन को समझ लीजिए, उसके बाद बनाइएगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक खेल परिधि ट्रैक है जिसकी लंबाई दिया हुआ है, परिधि दिया हुआ है 726 मीटर। एक ट्रैक है जिसकी परिधि 726। अब आप देख सकते हैं इसका जो परिधि दिया हुआ है 726, यानी पूरा ये राउंड है 726 का। कितना का है? 726 का। कहता है कि प्रदीप और उसकी पत्नी एक ही बिंदु से चलती है और दोनों का स्पीड अलग अलग है। तो एक ही पॉइंट से चलती है दोनों और दोनों का स्पीड अलग अलग है। तो यहाँ पर क्या है, एक इधर से और एक इधर से, दोनों अपोजिट साइड में चलती है और दोनों का स्पीड अलग अलग दिया हुआ है। इसका स्पीड दिया हुआ है 4.5, इसका 4.5 और इसका दिया हुआ है 4.5 और इसका दिया हुआ है 3.75। ठीक है, अब दोनों किस पॉइंट पर मिलते हैं? मान लेते हैं यहाँ पर मिलेंगे। तो आपसे पूछ रहा है तो कितने टाइम के बाद ये दोनों मिलेंगे आपसे, दोनों स्पीड भी दिया हुआ है। तो इसको हम लोग बनाएंगे कैसे, देखिए इसको बनाना है, टाइम निकालना है। तो टाइम बराबर दोनों मिलने का कैसे, एक इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, दोनों साइड से एक इधर से आ रहा है, दूसरा इधर से आ रहा है और दोनों मिलेगा। तो टाइम बराबर लिखेंगे दोनों के बीच की तय की गई दूरी। तो तय की गई दूरी कितना है? 726। कितना तय किया है? 726 डिस्टेंस। अब बात रहा है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, इसलिए वेलोसिटी जुट जाएगा और वेलोसिटी जुट जाएगा तो आपका हो जाएगा वेलोसिटी 8.25। दोनों को ऐड कीजिएगा 4.5 और 3.75, 8.25। 8.25 को क्या पढ़ेंगे हम लोग, 8 चौका 32, 33 बटा 4 पढ़ेंगे इसको। इसको बदल देते हैं हम, क्या ये किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, इसको मीटर पर सेकंड में बदल देते हैं और ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18। कितना हो जाएगा? 5/18। अब इसको सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करते हैं, 3 से कट जाएगा, ये 11 बार में कटेगा और ये 3 से कट जाएगा आपका, 3 दूना 6, 4 3 12 और 3 दूना 6 फिर से कट जाएगा 11 से, 11 दूना 22, 11 दूना 22 22। ठीक है, और क्या हो जाएगा, और कुछ कटता है तो काट लीजिए, और नहीं कट रहा है। ठीक है, तो और इसको ये सेकेंड में आ जाएगा, इसको मिनट में बदलने के लिए क्या करना होगा हमको, इसको मिनट में बदल देंगे तो मिनट सेकेंड में आएगा, तो मिनट में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइडेड बाय 60, 60 से डिवाइड करिएगा तो कट जाएगा, ये कट जाएगा 15 से और ये 5 3 15 है ना, और ये आ जाएगा आपका 6। और ये सब कैलकुलेट करिए, इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1 22 गुना 6 132, 22 गुना 6 132 बटा कितना आ जाएगा? 25। ठीक है, सोल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 5.28। आपका आंसर हो जाएगा ये 5.28। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, 2 ट्रेन मुंबई से घर के लिए 6 घंटा पहले 6 बजे चलती है और दूसरा ट्रेन 6:45 में चलती है। पहले का स्पीड, दो ट्रेन है और दोनों को चलना है इसी रास्ते पर, एक 6 बजे चलती है और दूसरा 6:45 में चलती है। ठीक है,
जब 6 बजे चलती है और दोनों को पहुंचना है कहीं पर, तो ये 6 और 6 पर, इसका स्पीड दिया हुआ है 100 और इसका स्पीड दिया हुआ है 136। अब बताइए ये ज़्यादा स्पीड ये कम स्पीड का, और ये पहले चलती है तो कहीं ना कहीं जाके इसको ओवरटेक करेगी, यहाँ पर मान के चलते हैं ओवरटेक करेगी। तो यही पूछ रहा है कि वो कितने दूरी पर जाके ओवरटेक करेगी, तो हम इसको निकालते हैं कि कितने समय में ये ओवरटेक करेगी। तो हम टाइम निकालते हैं, क्या करेंगे टाइम निकाल लेते हैं, तो टाइम निकालते हैं तो टाइम बराबर, तो देखिए कि ये 6 बजे चला है और ये 6:45, 45 मिनट में ये कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया होगा 6:45 तक में तो पहला ट्रेन। तो ये जो है 1 आवर में 100, तो 100 किलोमीटर, तो 45 मिनट में 75 किलोमीटर, ये 75 किलोमीटर आगे हो जाएगा डिवाइडेड बाय, दोनों को वेलोसिटी एक ही दिशा में जा रहा है तो घटेगा 36, इतना टाइम लगेगा इसको इतना आवर। तो अब पूछ रहा है कि टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो टोटल डिस्टेंस तो हमारा जो ये ट्रेवल कर रहा है बाद वाला ट्रेन, तो हम डिस्टेंस अगर निकालना चाहेंगे तो क्या करेंगे, डिस्टेंस निकाल देते हैं, डिस्टेंस बराबर 75, क्या करेंगे 75 बटा 36 गुना, डिस्टेंस बराबर होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, टाइम लिख दिया, वेलोसिटी हो जाएगा इसका 136। सोल्व कर लेंगे और आंसर आ जाएगा, सोल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा, कट जाएगा ठीक है, ये 283.33 आ जाएगा ये वाला आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो बिंदु ए और बी एक दूसरे से 48 किलोमीटर दूर पर है, ठीक है, और एक जो है ए से बी तक जाता है और फिर वो वापस लौट आता है, नदी के धारा का स्पीड दिया हुआ है, वो दिया हुआ है वो 6 किलोमीटर पर आवर और 6 सेकेंड और 6 घंटे से कम समय में उसको लौट जाना है। ये भी क्वेश्चन है कि आपको ए और बी एक दूसरे यहाँ से यहाँ तक चलना है, ठीक है, और यहाँ से ए से बी पर जाना है, ठीक, और फिर बी से फिर लौटाना है, तो इसको टोटल टाइम कितना लग रहा है, तो टोटल टाइम लग रहा है 6 आवर का, कितना आवर का 6 आवर टोटल आने और जाने में, यहाँ रुकता नहीं है और कहता 6 से कम समय लगना चाहिए, तो हमको तो टाइम वही लेना होगा, और टाइम बराबर तो हम लोग जानते हैं कि टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर होगा कि हम लोग को जाने वाला डिस्टेंस प्लस आने वाला डिस्टेंस, तो 48 किलोमीटर दिया हुआ है, 48 और 48 जाएगा और 48 आएगा, तो टाइम हम लोग क्या करेंगे, 48 जाएगा फिर 48 जाएगा तो धारा के साथ जाएगा, धारा के साथ जाएगा तो धारा का स्पीड हमको नहीं मालूम है, तो धारा का स्पीड मान लेते हैं x, और जाएगा और धारा का स्पीड दिया हुआ है 6 किलोमीटर, और इसमें जो दिया गया है बोट का स्पीड निकालना है आपको, तो बोट का स्पीड x और ये हो जाएगा 6 + 48 / x - 6 = 6, 6 क्या कम से कम 6 घंटा लगना चाहिए, तो इक्वल टू 6। अब आप इसको सोल्व करिएगा थोड़ा लंबा बनेगा, आप क्या कीजिए वैल्यू पुट कर लीजिए, अब हम वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं वैल्यू पुट करके देखते हैं, तो 18 पुट करते हैं, तो 18 और 6 = 24, 24 × 2 = 48, यहाँ से 2 आया, 18 + 6 = 12, 12 + 4 = 48, 4 × 4 = 6, मतलब सही आ रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर 18, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन जो है कह रहा है कि एक 200 मीटर लंबा ट्रेन है और एक प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है, तो प्लेटफॉर्म को पार करने में हम लोग को टाइम लगेगा, प्लेटफॉर्म को टाइम कितना लग रहा है 5 सेकेंड का, कितना सेकेंड 5 सेकेंड, प्लेटफॉर्म को पार करेगा और ट्रेन पार कर रहा है, तो दोनों को डिस्टेंस को ऐड करेंगे, 200 और 350 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 500
50, ठीक है, डिवाइडेड बाई, अब टाइम बराबर तो डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। अब वेलोसिटी देखो भाई, वेलोसिटी किसका, डिस्टेंस ट्रेन का ही सिर्फ वेलोसिटी होगा, तो इसका वेलोसिटी को मान लेते हैं भी, और ये कट जाएगा, तो भी का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा आपका 11 से कटेगा, तो 110, और ये आएगा किस में, मीटर पर सेकेंड, क्या आएगा, मीटर पर सेकेंड, ठीक। आगे कर रहा है कि अब जित ये ट्रेन का स्पीड हो गया, अब ट्रेन जो है यहाँ पर ट्रेन है, आगे देखिए यहाँ पर एक ट्रेन है और यहाँ पर एक आदमी है, और क्या कर रहा है कि एक ट्रेन जो है और आदमी है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 100 मीटर का, तो कहता है इस ट्रेन को या आदमी को कब कितना समय में पार कर जाएगा, तो भाई दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वही पूछ रहा है कितना सेकंड में पार कर जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको पार करने में लगेगा, यहाँ आदमी खड़ा है, आदमी मतलब पार नहीं कर जाएगा, उसको टच कितना देर में कर जाएगा, वहाँ पर पूछता है 100 मीटर दूरी पर है तो उस तब कितने समय में पहुँच जाएगा, तो टाइम बराबर फिर से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दोनों के बीच का डिस्टेंस 100 डिवाइडेड बाई, अब ट्रेन का ही सिर्फ वेलोसिटी यूज होगा, तो वेलोसिटी 110 ये आ जाएगा, कट जाएगा, यानी 10/11 सेकेंड। अब 10/11 सेकेंड का मतलब क्या हुआ, लेस देन वन सेकेंड, ये ऑप्शन नंबर एक, लेस देन वन सेकेंड, ठीक है, आंसर आ जाएगा एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाँच नंबर देखिए, पाँच नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ये क्वेश्चन है कि 80 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना है, यहाँ से यहाँ तक 80 मीटर है, फर्स्ट में कहता है कि ये पहला जो है 60 किलोमीटर की दूरी को 40 के स्पीड से, अब यहाँ से टोटल 80 है भाई, हैं उसमें से ये 60 का डिस्टेंस, शुरू में ये 60 डिस्टेंस है, अब 60 डिस्टेंस को वो तय कर रहा है, बाकी बच गया 20, इसको भी तय करेगा 20 के स्पीड से, तो एवरेज स्पीड क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी, इसका फॉर्मूला लिखिए, एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी बराबर होता है टोटल डिस्टेंस, कितना टोटल डिस्टेंस, तो 80 हो गया टोटल डिस्टेंस, डिवाइडेड बाई टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम, अब टाइम कितना लगेगा, तो पहला टाइम लगेगा 60 किलोमीटर जाने में 20 के स्पीड से जाता है, 60 किलोमीटर 20 के स्पीड से, 60 किलोमीटर 40 के स्पीड से, इसको लिखिए 60/40, उसके बाद फिर 20 किलोमीटर जाता है 20 के स्पीड से, ठीक 20 के स्पीड से कट जाएगा, अब इसको सोल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है, आंसर आ जाएगा 32 किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छः नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ये जो क्वेश्चन है कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है ये 450, कितना है 450 का डिस्टेंस, अब इसको क्या कर रहा है, इसको कह रहा है कि पहले जो है यहाँ से यहाँ तक 240 किलोमीटर जो जाता है वो ट्रेन से जाता है, उसके बाद फिर क्या करता है बाकी को कार से जाता है, फिर से फिर तो उसको टाइम लग जाता 8 घंटा 40 मिनट, अगेन कहता है 180 मीटर जाता है ट्रेन से और बाकी कार से, तो उसको 20 मिनट ज़्यादा लगता है, यानी 9 घंटा का टाइम लगता है, तो पूछ रहा है तो कार का स्पीड बता दीजिए कितना है, तो कार का स्पीड निकाल लेंगे, पहले 240 गया, ठीक, किससे गया, ट्रेन से, तो मान लेते हैं इसका टी लिख लेते हैं, अब बच गया कितना जी, 240 हो गया 450 में, तो बच गया 210, कितना बच गया 210, ये जाएगा क्या चीज़ से, कार से, तो टाइम कितना लगा 8 घंटा 40 मिनट, यानी 8.2/3, यानी 8 * 24, 24 * 2 = 26, 26/3, ये टाइम लगा, दूसरा को क्या लगेगा 180 जाएगा, ठीक है 180 जाएगा टाइम ट्रेन से, बच गया कितना 180 घटा देंगे 450 में, तो देख लेते हैं कितना आ जाएगा, बचेगा कितना 270, कितना 270,
इसको जाएगा सी से, तो इसको कितना टाइम लगेगा, 20 मिनट ज़्यादा, मतलब 20 मिनट ज़्यादा का मतलब हो जाएगा 9 आवर। 9, अब देखिए 9 आवर लग रहा है, अब देखिए क्या करना है, तो इसको सोल्व करना, आपको कार का स्पीड चाहिए, ये तो चाहिए नहीं, इसको सोल्व करना है, तो सोल्व कर दीजिए इसको, इसको कटाना है 240 और 180, कितना से कट करवाएं, कितना से गुना करें इसको, इसको कितना से गुना करें कि दोनों सेम आ जाए, तो ज़्यादा करने से अच्छा इसको कम कर लेते हैं, तो 60 से ये भी कटेगा, 60 से ये भी कटेगा, 60 लाने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा, 1/4 से, और इसको कितना से गुना करना पड़ेगा, 1/3 से, ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस, 4 से कटाइए, सोल्व कीजिएगा, सी कम वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, सी का कर देते हैं, यहाँ कर ही देते हैं, 4, ये 4 से कटेगा, तो 210 कटाएंगे, तो आ जाएगा 105 बाई 2C, और माइनस में आ जाएगा ये 27.99, 90, क्या आ जाएगा, 90/C, इसको लिख सकते हैं 180/2C बराबर, 4 से कटेगा तो ये आ जाएगा 2, 13/6, कितना आ जाएगा 13/6, माइनस 3 से कटेगा तो ये 3, इसको सोल्व करना है भाई, क्या करना है, इसको सोल्व करना, इसको सोल्व कर लो, 2C आ जाएगा नीचे, 180 में 75 आ जाएगा, ये आ जाएगा 6×18 में 13 गया 5/6, कटा ले जो कट रहा है, 15 से कट रहा है, 15×45, सी का जो वैल्यू आ जाएगा 45, कितना आएगा 45, इजी था, देख रहे हैं, इस तरह से आंसर आ जाएगा 45, आपका ऑप्शन में है 45, 4 नंबर ऑप्शन, 1 नंबर ऑप्शन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है किसी संख्या के 8वां हिस्सा, किसी संख्या का मान लेते हैं वो संख्या कितना है एक्स, मान लेते हैं वो संख्या कितना है एक्स, एक्स का 8वां हिस्सा मीन्स 1/8 बराबर कितना दिया हुआ है 41.5। अब एक्स तो निकल जाएगा भाई, एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8×5=40, ठीक है, और 8×4=12, और 8×4=32, और 1×33 332 एक्स का, और इसका 69% आपको पूछ रहा है, 69/100, सोल्व कर लो, अब सोल्व तो करने आता होगा, इसको सोल्व कर लीजिए, आ जाएगा देखियो 9×2=18, लास्ट में आएगा 08, 08 इस किस में है, ऑप्शन नंबर सी में, ये तो गड़बड़ हो जाता है, यहाँ पर एक ही ऑप्शन में आ रहा है 9×2=18, 8 सिर्फ सी नंबर में, ठीक है। ये क्वेश्चन है कि कप की एक जोड़ी की कीमत 1 रुपया, ठीक है, और कप की 5 जोड़ी खरीदेंगे तो 3.5 रुपया, तो भाई 5 जोड़ी खरीदेंगे और 1 जोड़ी खरीदेंगे, अगर एक एक जोड़ी करके खरीदेंगे तो हमको घाटा लग जाएगा, तो 5 जोड़ी खरीदेंगे, तो वही पूछ रहा है कि जोड़ी की तुलना में कितना प्रतिशत का क्या हुआ घाटा लगा, कितना प्रतिशत का, तो कितना प्रतिशत का लगा, तो अगर हम 5 जोड़ी खरीदेंगे तो हमको 5 रुपया कितना देना पड़ेगा, 5 रुपया, लेकिन हमको अभी कितना देना पड़ रहा है 4 रुपया, तो कितना का कम देना पड़ रहा है, कितना कम देना पड़ रहा है, तो 1.60 रुपया कम देना पड़ रहा है, किससे कम देना पड़ रहा है, तो 5 से × 100, अब ये 100 कट जाएगा इससे, 5×10 यानी 32, 32% का फायदा होगा, ठीक, क्वेश्चन समझ में आ गया, साढ़ कि एक जो है जोड़ी को खरीदेंगे तो 1 रुपया लगेगा, तो 5 जोड़ी खरीदेंगे 5 रुपया लगेगा, लेकिन क्या कहता है जब 5 आप लेने जाते हो तो वो 3.5 रुपया में ही दे देता है, तो आपको फ़ायदा हो गया ना 1.60 रुपया का, तो वही पूछ रहा है कि कितना का फ़ायदा हुआ, तो 1.60 रुपया का किस से हुआ, तो 5 से, 100 में कितना, ठीक है। नेक्स्ट ये कहता है कि 40 दर्जन खिलौना,
कितना 40 दर्जन खिलौना है, उसमें से दो पत्ती है। ये क्वेश्चन है 40 में से आधे जो हैं बिक जाते हैं, कितने बिक जाते हैं, आधे बिक जाते हैं, तो बचे कितने 20, 40 से आधे बिक गए, बिक गए, बक्से कितने 20, 20 में कहता शेष का 60% को क्या कर देता है, वो फर्स्ट आवर नहीं इस लास्ट आवर में वो बेचता है, तो शेष का 60 यानी 20 का 60%, तो 20 का 60% करिएगा तो 12 आएगा, ठीक है, 12 छः दूना 12, 12 को फिर से बेचता है वो, तो अब कहता लास्ट में बचा कितना है, तो 20 में से फिर से 12 घट ही गया, तो कितना बचा 8। ये सिंपल क्वेश्चन था, बी नंबर ऑप्शन 8 हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है दो विद्यालय है, दो क्रमिक है, में पहला में 100 बच्चा है, दूसरा में 75 बच्चा है, पहला में 100 बच्चा, दूसरा में 75 बच्चा, होता क्या है कि परीक्षा इतना बच्चा उपस्थित होता है, उसमें से पहले से 75% है, दूसरे से 60% पास होता है, तो टोटल कितना परसेंट पास हुआ ये बताना है, तो पास टोटल एवरेज बताना है कितना परसेंट, तो भाई 100 का 75% पास हुआ, तो टोटल पास कितना हुआ 75, जोड़ 75 का 60% पास हुआ, 75 का 60%, ठीक है, तो 75 का 60% निकालिएगा, तो निकाल लीजिए आप 75 का 60% निकालिएगा कितना आ जाएगा 45, इतना पास हो गया, टोटल कितना बचा है 175, परसेंटेज पूछ रहा है गुना 100, अब 45 75 5 5 10 इसको कटा लीजिए, ये 4 बार में कटेगा, ये 7 बार में कटेगा, ठीक है, और ये जाएगा 5 5 10 7 4 11 1 12 120 बटा 7 गुना 4 बचो का 48, 480 बटा 7 यही परसेंट आएगा आंसर। इस तरह से 10 क्वेश्चन बताए हैं आपको, रिवाइज कीजिए, कोशिश करेंगे कि रेगुलर आप लोग को बिहार एसएससी का भी सेट इसी तरह से डिस्कशन किया जाए रेगुलर, ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और दोस्तों से करवाइए, सब्सक्राइब करवाइए, अच्छा लगे वीडियो तो लाइक भी कीजिएगा, ठीक है।